हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आई एम योर फ्रेंड यर्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो ऐसी एप्लीकेशनें जिनकी मदद से आप अपने इमेजेस जो आप डिलीट कर चुके हैं उनका बैकअप पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिग डीप और डिस्क डिगर, ये दो ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप अगर आपने अपने फ़ोन से कोई एप्लीकेशन या कोई उसमें जो फ़ोटोएं थी वो गलती से आप कोई फ़ोटो डिलीट कर चुके हैं, आपकी फ़ोटोएं जो वो डिलीट हो चुकी हैं, आपको वापस चाहिए बट वो मिल नहीं रही, तो ये आपके लिए बेस्ट ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपनी जो डिलीटेड फ़ोटोज हैं, डिलीटेड को अपना कंटेंट है, उनको वापस अपने फ़ोन में हासिल कर सकते हैं। इन दोनों में से ये दोनों ही बेस्ट ऐप्स हैं, बट अगर आप व्यूअर्स की माने या जो इनको इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनकी माने तो इन दोनों में से जो डिस्क डिगर है वो बेस्ट है। उसके 10 मिलियन लोगों ने ज़्यादा इसको डाउनलोड किया है, जबकि डिग डीप है वो सिर्फ 1 मिलियन लोगों ने ही यूज़ की है, बट काम दोनों ये सेम ही करती हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको डिग डीप के बारे में बताता हूँ। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों लोडिंग लेनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे ही लोडिंग लेनी स्टार्ट होती है ये आपका जो बैकअप डाटा है वो करने लग जाती है। जो आपने इमेजेस, जो आपकी फ़ोटोएं डिलीट कर चुके हैं, आपको नहीं मिल रही, उनको ये ऑटोमेटिक वापस ले आती है। वो आपको शो करती है कि आपने कौन सी फ़ोटोएं डिलीट की हैं और उनमें से जो आपको वापस चाहिए उनको आप अपने फ़ोन में वापस रिकवर कर सकते हो। इस ऐप से ये लोडिंग लेती है, बहुत सारी एप्लीकेशन ये रिकवर करती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही देख रहे हैं अभी इसकी लोडिंग हो रही है, तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारे पास एक नया विंडो ओपन हो चुकी है। इसको हम बैक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी हमें वापस लानी है और कौन सी पिक्स हम डिलीट कर चुके हैं। जैसे कि ये अलग अलग फ़ोटोएं हैं, या जैसे कि ये अलग अलग फ़ोटो हैं जिसको हम बैकअप उनका क्रिएट कर सकते हैं, जो हम डिलीट कर चुके हैं उनको वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ़ोटोएं खुल चुकी है मेरे फ़ोन में, जिनको मैं अपने फ़ोन से डिलीट कर चुका था, जो अननेसेसरी पड़ी थी, मेरे को नहीं चाहिए थी, तो ये फ़ोटो मैंने कुछ डिलीट की थी। तो आपको करना क्या होगा, जैसे ही आपको कोई फ़ोटो अपनी चाहिए, आपको उस पर क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के साथ ही जैसे आप क्लिक करेंगे वो ऑरेंज हो जाता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑरेंज हो गया है। ये देखिए नीचे रीस्टोर का ऑप्शन आ गया, अगर आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे और नीचे होगा रीस्टोर, तो जहाँ से आपने इसको डिलीट किया था ऑटोमेटिक उसी फोल्डर में जाके रीस्टोर हो जाएगी। आपको यहाँ क्लिक करना होगा रीस्टोर में, और ये देखो यहाँ बोल रहा है ऑल सेलेक्ट फाइल हैव बीन रीस्टोर, भी जो आपने सेलेक्ट की हैं वो फाइल आपकी रीस्टोर हो जाएंगी। आप यहाँ जाके उसको रीस्टोर वाला एक फोल्डर बन जाएगा, वहाँ जाके आप इनको चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि हाँ, मैं यस करूँगा तो ये मांग रहा है कि स्टार या 4 स्टार दे दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये फ़ोटो मेरी रीस्टोर हो चुकी है। अब मैं वहाँ जाके देखूँ तो वो रीस्टोर होगी। तो ये रही हमारी पहली डिग डीप रिकवरी ऐप। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दूसरी जो एप्लीकेशन है, ये भी बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। अगर आपने कुछ इस पर एक जूमर सा बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है, तो इसको आप क्लिक करिए और इसको ओपन कीजिए, तो ये आपकी फ़ोटोएं जो है स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, जो भी आपने फ़ोटोएं डिलीट करी होंगी। तो जैसे ही आपका ये विंडो खुलेगी तो आपको यहाँ बेसिक स्कैन पे क्लिक करना होगा, ये स्कैनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो जो आपने फ़ोटोएं डिलीट की होंगी तो वो फ़ोटोएं यहाँ पे आपको ये शो करनी स्टार्ट कर देगा, जो जो आपने यहाँ से डिलीट की होंगी। तो जैसे ही आपको जिसकी भी रिकवरी करनी होगी उस पर आपको यहाँ क्लिक करना होगा। ये देखिए इतनी फाइल से ये जो है स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया है, उसमें से जो फाइल आपको चाहिए होगी वो आपको रिकवरी में मिल जाएगी।
और दोस्तों जो भी फोटो आपको चाहिए होगी आप उस पर जाके क्लिक करेंगे यहाँ से और बोलेंगे रिकवर दिस फाइल, और उस फाइल को वो रिकवर स्टार्ट कर देगा। और अगर आपको इनका बैकअप बनाना है तो इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे बैकअप भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ सेटिंग में जाके आप कुछ सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं कि कौन सी आपको फाइल चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये थी दो एप्लीकेशन जिनके ज़रिए आप अपनी डिलीटेड फ़ोटोज़ वापस पा सकते हैं। एक डिग डीप और डिस्क डिगर, इनको आप इंस्टॉल कीजिए, इनके साथ अपनी फ़ोटोज़ का बैकअप बना के रखिए ताकि कल को आप अपनी कोई फ़ोटो को डिलीट भी करते हैं तो आपको वो आसानी से मिल जाए इस एप्लीकेशन के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पे जो आप डिलीट करते हो वो एप्लीकेशन वो फ़ोटोएँ सारी शो करती हैं यहाँ से, कहीं ज़्यादा डाटा। अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर दोगे, या इसको अभी इंस्टॉल है तो इसको अनइंस्टॉल कर दोगे कि अगर इसके साथ एक बार रिकवरी कर लोगे फ़ोटो की, बट अगर इसको आपने अनइंस्टॉल भी कर दिया कल को इसको इसी फ़ोन में अगर आप दोबारा इंस्टॉल करोगे तो वो फाइल वहीं की वहीं रहेगी, वो फाइल कहीं जाएगी। तो दोस्तों इनको दोनों को इंस्टॉल कीजिए और करके देखिए, इंजॉय करिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो पूछिए, मैं आपको यहाँ बताने के लिए बैठा हूँ। और दोस्तों मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जो लाल बटन है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताजो ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स मोबाइल के रिलेटेड मैं आपको देता रहूँ आपकी हेल्प के लिए। और दोस्तों जो सब्सक्राइब का बटन होता है आप शायद जानती हूँ, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ कि उस पर कोई चार्ज ना फ्री होता है, आप आराम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे मैं कोई वीडियो बनाऊँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको वो मिल जाएगी, अगर आप YouTube यूज़ करोगे तभी उसी टाइम आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।